हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं आया हूँ जयपुर में कवर करने के लिए फ्लावर शो, बट एक और फेयर मुझे कवर करने का मौका मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे जयपुर फेयर को देखा होगा, जिसमें बोगनविलिया को दिखाया जाता है। बोगनविलिया के काफ़ी सारे उसमें वीडियोज़ आपने देखे होंगे, तो उसे ही मैं कवर करने आ चुका हूँ। और बिल्कुल ठीक समय रहा, मैंने फ्लावर शो भी कवर कर लिया और साथ ही साथ बोगनविलिया फेयर में भी आ गया, तो इसे भी मैं कवर करने वाला हूँ। डिटेल वीडियो रहने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप भी कभी अगर जयपुर आएंगे तो इस जगह पर आपको ज़रूर आना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, देखना चाहते हैं भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन और साथ ही में इस तरह के गार्डनिंग इवेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, एंटर करते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे हर साल बोगनविलिया फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एंटर करते हैं, सबसे पहले तो आप अट्रैक्ट होंगे इन ट्रीज़ की तरफ। तो देख सकते हैं प्लूमेरिया का बहुत ही सुंदर ट्री आपके सामने है और अलग अलग तरह के आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ही मैच्योर हैं, सारे के सारे ज़मीन में लगे हुए हैं और जब इन पर फ्लावरिंग होती होगी तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती होगी। और इतने पुराने जो चंपा है वो मैंने अभी तक कवर नहीं किए थे, यहाँ पे आपको काफ़ी पुराने पुराने चंपा देखने के लिए मिलने वाले हैं। फिर यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा सीधा आगे बढ़ना है और रास्ते में आपको काफ़ी सारे इसी तरह के अलग अलग ट्रीज़ नज़र आएंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फिग भी नज़र आ रहे हैं मुझे, और साथ ही में क्योंकि बोगनवेलिया कवर करने हैं तो बोगनवेलिया भी नज़र आने लगा है। अलग अलग कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरफ भी देखेंगे ऊपर वाइट कलर में भी बोगनवेलिया आपको नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्प्ले किया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे आपको नज़र आता है बहुत ही सुंदर पॉनी टेल पाम। जी हाँ दोस्तों, लोनेला पाम भी इसको कहते हैं और देख सकते हैं कितना मैच्योर है, बहुत ही पुराना है। और आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, इस पर फ्लावरिंग भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि मैंने अपनी लखनऊ सीरीज़ में एक गार्डन में कवर की थी। तो इसमें बहुत ही सुंदर वाइट कलर की फ्लावरिंग आती है। और आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर बोगनवेलिया के कलर्स आ चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर पॉन्ड नज़र आएगा, जहाँ पे आपको कैक्टस वगैरह भी नज़र आने वाले हैं। तो ये एरिया भी बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ही आप एंटर करते हैं वैसे ही आपको सामने सारी की सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। और धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर किस किस तरह के प्लांट्स को लगाया हुआ है। तो फ्रेंड बात करें लैंडस्केपिंग की, तो लैंडस्केपिंग बहुत ही सुंदर की गई है। अभी आपको मैंने पॉन्ड दिखाया था और उसी के साथ ही आप आगे देखेंगे तो रॉक्स वगैरह को बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ है, कुछ स्टोन्स को भी यूज़ किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत ही सुंदर अगावे है, जो कि बहुत ही मैच्योर हो चुका है, काफ़ी अच्छे साइज़ में यहाँ पर अगावे वगैरह भी हैं। और इस तरफ भी देखेंगे एक और अगावे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको बोगनविलिया का कलेक्शन नज़र आता ही रहेगा। और डिस्प्ले जो है वो बहुत ही अच्छे से किया हुआ है सारे ही प्लांट्स को। और यहाँ पे काफ़ी सारे बॉन्ज़ाई भी बोगनवेलिया के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ बोगनवेलिया के बॉन्ज़ाई का कलेक्शन, तो किस तरह से बोगनवेलिया के बॉन्ज़ाई को डिस्प्ले किया गया है और कौन कौन से कलर्स हैं, हम उन पर बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले एक ये बोगनवेलिया आपके सामने आ चुका है। नीचे जैसे देख सकते हैं इसका जो ट्रंक है वो बहुत ही मोटा है और इसको यहाँ से कट किया हुआ है। ऊपर आप देखेंगे फ्लावरिंग जो है बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल सही टाइम पे मैं आया हूँ। इस टाइम पे मुझे जयपुर का फ्लावर शो कवर करने का मौका मिला और साथ ही साथ बोगनवेलिया फेयर भी कवर करने का मौका मिल गया। इसी के बगल में देखेंगे एक और बोगनवेलिया है, इस पर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगेन नेक्स्ट जो बोगनवेलिया है इसको भी बहुत ही अच्छे से स्टाइल किया हुआ है, वाइट कलर के फ्लावर्स इस पर गुच्छों में आपको नज़र आ रहे हैं और देखने में लगता है कि ये काफ़ी पुराना है, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 साल भी पुराना ये हो सकता है। स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक और बोगनवेलिया आप देखिए, इस पर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पिंक कलर के फ्लावर्स से पूरा ढका हुआ है, पत्तियां बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। और नीचे जो इसका ट्रंक है वो बहुत ही मैच्योर है। एक और बोगनवेलिया देखते हैं आगे, ये भी पिंक कलर में ही आपको नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग के साथ। और नीचे इसका भी जो ट्रंक है वो काफ़ी मैच्योर है और ये भी बहुत ही पुराना है। हालांकि इन सभी के नीचे ये मेंशन नहीं है कि ये कौन से बोगनवेलिया हैं, वैरायटी कौन सी है और कितने पुराने हैं, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने हो सकते हैं। अगेन एक और बोगनवेलिया देखिए, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग। और नीचे आप देखेंगे जो इसका ट्रंक है वो तो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा आपको नज़र आ रहा है और अगेन ये भी लगभग 15-20 साल पुराना हो सकता है।
जो सॉइल मिक्सचर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो भी वेल ड्रेन होना चाहिए, तो नॉर्मल सॉइल में ही इसे लगाया हुआ है। हालांकि आगे मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा यहाँ पे कोई स्टाफ वगैरह मुझे मिल जाए किस तरह के सॉइल में इसको लगाया जाता है, क्योंकि जयपुर की जो सॉइल है वो बहुत ही अच्छी रहती है बोगनविलिया ग्रो करने के लिए, नॉर्मल सॉइल में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सॉइल है ये नॉर्मल सॉइल ही होगी। और ये देखेंगे इस पर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। एक ये बोगनविलिया है, इस पर आपको ग्राफ्टिंग भी नज़र आ रही है, अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हैं। अगेन एक पिंक कलर में बोगनवेलिया, बहुत ही ब्यूटीफुल। और नीचे से आप देखिए इसका जो ट्रंक है बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी के बगल में दो और बोगनवेलिया हैं, इन पे फ्लावरिंग कम है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। एक ये वाला जो बोगनवेलिया है ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, फ्लावरिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और नीचे आप देखेंगे जो इसका ट्रंक है वो बहुत ही पुराना है। तो फ्रेंड एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, अगर आप इस फेयर से कोई भी प्लांट वगैरह बाय करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। बोगनविलिया की शॉपिंग करनी है, बोनसाई की शॉपिंग करनी है तो वो भी आप कर पाएँ। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आने वाले हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लेग्राउंड भी मिल जाता है जो कि बहुत ही सुंदर है, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे हैं, तो ये स्पेस भी काफ़ी अच्छा है बच्चों के साथ आने के लिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कुछ कुछ नई नई चीज़ें दिखाई देंगी, तो बच्चों के साथ भी आ रहे हैं तो बच्चे बोर नहीं होंगे और आप इस फेयर को भी इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं अब कुछ और प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पर फाइकस भी है और ये भी बहुत ही पुराना फाइकस नज़र आ रहा है, देख सकते हैं एरियल रूट्स बहुत ही सुंदर हैं। अगेन एक और बोगनवेलिया, बहुत ही पुराना पेड़ और सभी को ट्रेज में बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट किया हुआ है। एक बोगनवेलिया इसमें भी आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रे तैयार की गई है जिसमें आपको अगावे भी नज़र आ रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट लुक में जो फाइकस है उसको अरेंज किया हुआ है, अलग अलग तरह के प्लांट्स को इसमें मर्ज कर दिया है और पूरी की पूरी ट्रे जो है वो बहुत ही बड़े साइज़ में है, लेकिन देखने में आपको बिल्कुल फॉरेस्ट का लुक नज़र आ रहा होगा। बगल में चलेंगे तो अगेन कुछ ट्रे ऐसी हैं जिसके अंदर बोगनविलिया के साथ साथ अगावे को भी लगाया हुआ है, तो ये सारा का सारा जो है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं। तो बोगनविलिया के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स तो आप इन्हें देख ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पे बोगनविलिया के साथ साथ आपको कुछ और भी प्लांट्स मिल जाते हैं, अगर आप बाय करना चाहें तो उन्हें भी बाय कर पाएंगे। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं जेड की बहुत ही सुंदर सुंदर टोपियारीज हैं जो गिफ्टिंग वगैरह में बहुत ही अच्छे से लोग यूज़ करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो ये सारे आपको बोनसाई के साथ साथ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और इन अगर पॉट्स को बाय नहीं करना, आपको रेडी पॉट चाहिए तो रेडी पॉट्स भी यहाँ पर हैं जिसमें अगावे और जेड अगावे और सेंसेवेरिया वगैरह ये सब आपको रिपॉट पहले से ही करके दिया जा रहा है। और साथ में आप देखेंगे तो जेड की कुछ और भी टोपियारीज के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। इस तरफ देखेंगे तो आपको बड़े बड़े बोगनविलिया के प्लांट चाहिए और अगर टोपियारीज का पूरा सेटअप चाहिए तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। ये 400-500 रुपए में तो अगावे आपको मिल रहे हैं पॉट के अंदर लगे हुए, और ये 1500 का जेड वाला, ये 1500 का। टोपियारी कितने की है ये वाली टोपियारी? 500, 700 और बड़ी वाली 800 रुपये। तो ये अलग अलग प्राइस है एज पर साइज, इसके प्राइस मेंशन किए गए हैं। ये वाला कितने का है सर? ये वाला 8000 रुपये का है फ्रेंड्स। तो सिर्फ प्लांटर चाहिए तो 400-500 से स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अलावा विद प्लांट्स आप लेना चाहते हैं तो 500-600 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। ये प्लांट कितने की है बोगनविलिया? 1500 रुपये, 1000 रुपये ये वाले हैं, और ये वाले हैं 1500-1500 रुपये के। ओके, पीछे कितने के हैं बोनसाई? और पीछे आप बोनसाई देखेंगे तो बोनसाई 10,000-25,000 इस तरह की प्राइसिंग बोनसाई की है। तो जैसे कि अभी तक आप सारे के सारे बोनसाई वगैरह और सब देखते हुए आ रहे हैं तो उनकी जो प्राइसिंग भी आपको एक आइडिया मिल चुका है कि 10,000 से बोनसाई की यहाँ पे स्टार्टिंग होने वाली है। तो जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि बोगनविलिया की सॉइल की भी बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको सॉइल मिक्सचर भी मिल जाने वाला है, साथ ही में लीव कम्पोस्ट भी रखा है तो वो भी मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बोगनविलिया में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको सॉइल मिक्स जिसमें इन्होंने खाद वगैरह सब चीज़ें मिला रखी हैं, में 50 kg ये मेंशन है यहाँ पे, और इसके बगल में है लीव कंपोस्ट और इस पर मैंशन है 800 रुपीज़ में 50 kg। तो ये प्राइजिंग है, ये आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और इसी के बगल में चलते हैं तो यहाँ पर आपको संजीवनी ऑर्गेनिक लीव कंपोस्ट का पैकेट अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाता है, और आपको लिक्विड कंपोस्ट चाहिए ऑर्गेनिक तो वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, अलग अलग साइजेस में कंटेनर्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों हरिंदर जी अब हम लेके आ चुके हैं अंदर की तरफ, जहाँ पे आपको इनका एक छोटा सा स्टोर नज़र आ रहा है। यहाँ से आप
प्लांट की और प्लांटर्स की शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितने सुंदर सुंदर प्लांटर्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने घर में इस तरह के प्लांटर रखना चाहते हैं और आप भी हैं जयपुर से या आने वाले हैं जयपुर, तो इस तरह के प्लांटर आप बाय कर सकते हैं। ये बनाए गए हैं खुद ही, जो विवेक जी हैं उन्होंने इन प्लांटर्स को बनाया है, भैया मुझे बता रहे हैं ऐसा। देखेंगे कुछ इस तरह के प्लांटर भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए 1000 रुपीज़ में आपको कुछ इस तरह के प्लांट्स का कलेक्शन भी यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ ट्रेज आपको रेडी ट्रे मिलने वाली हैं, ये 2500 रुपये में ट्रे मिल जाएगी। इसमें अलग अलग तरह के जेड लगे हुए हैं। बर्ड हाउस चाहिए तो बर्ड हाउस भी यहाँ मिल जाते हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का बहुत ही सुंदर सुंदर आपको ट्रे गार्डन नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे सारे के सारे रखे हुए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो गिफ्टिंग पर्पज़ से आप लेना चाहते हैं तो ये 50-50 रुपीज़ में आपको सारा का सारा ये कलेक्शन दिखाया गया है, जिसमें कुल्हड़ के अंदर छोटे छोटे जेट लगा दिए गए हैं और ऊपर से जूट से पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है। तो ओनली 50 रुपीज़ में है। अगर आपको बल्क में आगे गिफ्ट करना है तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ये देखेंगे 900 रुपीज़ में अगावे इसमें लगाए हुए हैं। ये वाला लास्ट वाला 1800 का है। और आगे चलते हैं तो अगेन जैसे बाहर मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ बोगनवेलिया फेयर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप भी जयपुर आने वाले हैं तो आप इस फेयर में आ सकते हैं। डेट्स वगैरह और टाइमिंग वगैरह सारा का सारा नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फेयर को कवर करके। बोगनवेलिया के ऊपर काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को और सीखने को मिली। और साथ ही में इस फेयर को घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम भी लग सकता है। अगर आप इसे अच्छे से घूमने वाले हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, बिल्कुल शांति है, भीड़ भड़क्का भी नहीं है, तो आप इजीली घूम पाएंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मैं भारत के आपको ऐसे ही अलग अलग गार्डनिंग इवेंट में लेके जाता रहता हूँ, अलग अलग गार्डनर से मिलवाता ही रहता हूँ। तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ की कुछ रील्स मैंने बनाई है जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलने वाली है। जल्दी मिलूंगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।